डॉक्टर साहब, मेरे बस के बाहर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं? क्या मैं भगवान हूं? भगवान से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर बेटा, ये क्यों मीठा कर? लक्ष्मी को बेटा हुआ मेरा पोता। हाँ, एक मरा नहीं और दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया। मुन्ना मेरा एक काम कर देगा? क्या? एक बहू ला दे घर में, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा अपने गांव। मैं ठीक कह रहा हूं, तुझे अपने हाथों से पाला है, इस हाल में देख भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। ए रहो फका, चलो खाना लगाओ। शादी करने से तो खाना अच्छा है। क्यों डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। बैठिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। लगता है बहुत निराश हो गया? नहीं वो बात नहीं, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था कि आप कैंसर एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट इन व्हाट? कैंसर देने में या इलाज करने में? खैर कोई बात नहीं डॉक्टर। हाँ, एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दीजिए। दरअसल आपको सिर्फ दवाई खाने का शौक है। अगर मैं आपको 4-5 किस्म की रंग बिरंगी टैबलेट्स या कैप्सूल दे दूं, या किसी ऐसी दवा का नाम बताऊं जो 10 दुकानों में ना मिले, तभी आप खुश होंगे, समझेंगे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, अगर कोई दवा दे सकते हैं तो दीजिए, वरना शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं। आप जा सकते हैं चंदना जी। आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है? मैं दवा देने की फीस लेता हूँ, अक्सर देने की नहीं। तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू महाशय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या, फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है, ऐसे लगता है जैसे किसी वाइसरॉय का नाम। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाई। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओ समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मशाय, ऐ तो भालो भाषा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ भाई, अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 30, 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो क्या ख्याल है?
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में
कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। भैया प्रणाम करो। बाबा ये हमारे भैया है, बीमार है, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ठहरो ठहरो सुमन, आती आपने मतलब की बात शुरू कर दी। जरा बाबा से बातचीत तो कर ले। बाबा से क्या बातचीत करोगे, बताया नहीं था, वो बोलते नहीं, मौन व्रत लिया है इन्होंने। हाँ बताया तो था लेकिन बाबा जिंदगी भर का व्रत लिया, कभी बात नहीं करेंगे। फंस गए फिर तो इस जिंदगी में आपसे वार्तालाप का कोई चांस नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं आपको तकलीफ नहीं होती? अगर मुझे 5 मिनट के लिए चुप रहना पड़े ना तो दम घुट जाए। तुम फालतू बातें मत किया करो भैया। बाबा भैया को आशीर्वाद दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप चाहेंगे तो मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे। बाबा ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं और जब तक जिंदा रहूं बीमारी बीमारी रोग वो कुछ ना हो, बुखार तक ना हो बाबा। और जितने मेरे ये डॉक्टर दोस्त है ना इनके वो क्या कहती है वो थर्मामीटर थर्मामीटर धड़े के धड़े रह जाए। चीरियत यत तत् शरीरम, मतलब जो मिट रही है वो शरीर है। तो बाबा तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू, जो मिट रही है शरीर शरीर क्यों? मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। ऐसा होगा ना बाबा? ए बाबू साहेब मुरारी लाल, ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं, भूल गए बच्चू कुतुब मीनार पर बियर प्लाट कर आउट कर दिया था? आप भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई, मिलाइए हाथ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको ही जे हुई। और याद रखिए आईना जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जे नहीं। अभी आप जा सकते हैं, नमस्ते। आनंद अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या, अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू मुझे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता? हाँ लगता है। क्यों? बोलो 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 क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मुझे हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थ्योरी है बाबू मुझे, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ ये क्या पागलपन है बाबू मुझे, तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उसे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ ए बाबू मुझे देख दो कौन मुरारी लाल। ए कहाँ जाता है, ठहर इधर। बाबू मुझे मुरारी लाल। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं
करते करते आनंद हांफने लगा। अंत की पहली निशानी नजर आने लगी है। मेडिकल प्रोफेशन में एक वो मुकाम भी आता है जहां तमाम इलाज खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर को सिर्फ मरीज के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस बेबसी को सिवाय एक डॉक्टर के और कोई नहीं जान सकता। हे भगवान, कितनी भयानक बेबसी। भाभी, किसी को रुलाना अच्छा नहीं होता ना। क्यों? मम्मी को हंसाना चाहता था, रुला दिया। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ। भाभी, आप कुछ नहीं समझते। जब ज्यादा खुशी मिल जाए ना, तब भी आंसू निकल पड़ती। आपकी मम्मी दुख से नहीं, खुशी के मारे रो पड़ी। आप जैसा बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? ओह यस, राइट, यू आर राइट। मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को? हाँ, और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। बाबू मशाय, ये अकेले में क्या कर रहे हो? ओ, भाभी की याद आ रही है। अरे ये सब चीज ही ऐसी है, हो जाए तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल। आनंद, आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना वो। आनंद प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम अकेले रहो। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बकबक करता रहूं तुम्हारे साथ। I'm sorry, बाबू मुझे। आनंद, बुरा मत मानना आनंद। दरअसल तुम तो जानते हो बाबू मुझे, कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूं लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल ही यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा तो कोई नहीं है। तुम मरोगे तो यहां मेरी बाहों में। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू मशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मशाय, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूं, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। यही रहूंगा यहां तुम्हारे साथ। हाँ,
हाँ अनंत, मैं जानता हूं तुम मेरा हिस्सा हो गए, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये पक पक। तो फिर चलो मेरी ये पक पक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ सबसे पहले तुम्हारी ये कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था ओ मौत तुम्हें कविता हो। चलो 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 चलो। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। अब तुम बोलो। क्या? कुछ भी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ वो तो है। बाबू मशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हैं। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। शाह अभी तक नहीं आए। बाबू शाह दोस्त। हाँ आनंद दोस्त, टेप चला दो जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। सिस्टर मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। छह महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो बातें करो मुझसे।
बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाय, बाबूमशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।